कस्में जो लोग खाते थे सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं। मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था, हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना बोर्ड को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। 3 दिन के जो घटनाक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, प्रदेश की विधानसभा में हुए हैं, निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर और खास करके हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जो एक पहाड़ी राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, इस तरीके के घटनाक्रम होना एक चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पॉपुलरली इलेक्टेड मैंडेट हिमाचल प्रदेश के 70 लाख आवाम ने जो सरकार को चुना है, और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। मगर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सब उस समय का जो नेतृत्व था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जो समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया।
ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। एक साल इस कार्यकाल को हुआ है, इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले एक साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके, आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है, उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी, बहुत से जीवन में कठोर हार गई राज्यसभा की विश्वास प्रस्ताव कराएंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, तो सारी चीजों को लेकर के आगे जब मैं सबसे पहले तो भारतीय एक मिनट भाई सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी, और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई।
देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।